भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके। हाँ सुना तो। वैसे झंब में पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए जरूरी है, खाक जरूरी है। जहाँ वो लड़े वहां लड़ना चाहिए, हर कहीं घुसना चाहिए। हाँ उधर नहीं बढ़ना था। मगर मैं कहता हूँ क्यों नहीं बढ़ना था, उधर से दबाव पड़ेगा तो इधर तुम्हारे बाप रोक सकते हो नहीं? फिर तो उधर बढ़ना ठीक ही हुआ। ठीक हुआ ठीक हुआ। कुछ समझते भी हो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध, हमला। तो हमला जैसा ही हो गया। मगर मैं कहता हूँ जो इसे हमला कहते हैं वो बेवकूफ है। हम तो हमले का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो इस दृष्टि से तो हमारा बढ़ना सुरक्षात्मक कार्रवाई हुआ। सुरक्षात्मक कार्रवाई कहकर तुम दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। जो हुआ है सबको दिख रहा है। हाँ ओम, सुना विल्सन ने तो कुछ ऐसा ही कहा है। अरे तुम विल्सन के कहने की परवाह क्यों करते हो? जो तुम्हें सही दिखे वो करो। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। हमें वही करना चाहिए जो देश के हित में हो। देश हित की बात करते हो, देश हित कोई समझता भी है? सिर्फ देश हित देखोगे या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी ख्याल रखोगे? हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मगर मैं कहता हूँ सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय रुख ही देखोगे या देश के भले की भी कुछ सोचोगे? अंतर्राष्ट्रीयता की धुनी में तो तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर रखा है। अरे मैं उससे बहस नहीं करता, मैं उससे मतभेद भी जाहिर नहीं करता, मैं सिर्फ सहमत होना चाहता हूँ, मगर वो होने ही नहीं देता। पर वो किसी को सहमत नहीं होने देता। अगर कोई हो रहा होता है ना तो झट असहमति पर पहुंच जाता है। करता क्या है? अरे कॉलेज में पढ़ाता है, कॉलेज से नफरत करता है। मतलब लौटता है तो ऐसे जैसे कि पाप करके लौट रहा हो। विद्यार्थियों से, प्रिंसिपल से, साथियों से, सबसे नफरत करता है। बगीचे में खिले फूलों से भी उसे नफरत है। मकान मालिक से इसलिए नाराज है कि मकान उसका है। नगर पालिका से सड़क के लिए नाराज है, नाले से मच्छरों के लिए नाराज है। दुनिया से किस लिए नाराज है ये ठीक वही जानता होगा। अरे यार मुझे क्या लगता है सर, शुरू में ही उसने दुनिया से कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली, तय कर लिया होगा कि मुझे दुनिया से इतना मिलना चाहिए, ये मेरा हक है। और इसी हिसाब में उसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, अपनी योग्यता के हिसाब से महत्वाकांक्षा नहीं बनाई होगी। हाँ मुझे याद है कि जब वो कॉलेज में पढ़ाना चाहता था ना तब उसे स्कूल मास्टरी करनी पड़ी थी, और जब विश्वविद्यालय में जाना चाहता था तब उसे घटिया कॉलेज में नौकरी मिली। तो बस सर, उसने मान लिया कि दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया है, और सिर्फ उसी के साथ। इसीलिए वो आसपास आगे बढ़ते हुए तुच्छ लोगों की भीड़ को देखता होगा और उनसे नफरत करता होगा, उसका व्यक्तित्व टूटता होगा। फिर वो उसे जैसे तैसे समेट कर दुनिया के सामने चुनौती देकर खड़ा हो जाता होगा। स्थायी असहमति यानी परमानेंट डिसएग्रीमेंट उसका अपने आप को जोड़ने का एक प्रयत्न है, क्योंकि ऐसे लोग विशिष्ट यानी खास हुए बिना जी ही नहीं सकते। पर सारी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं सही हूँ, ये एहसास ना बहुत दुख देता है भाई। ऊपर से ये चाहना कि मान्यता मिले, श्रेय मिले, कीमत भी मिले। अरे दुनिया को इतनी फुर्सत नहीं होती कि कोने में बैठे किसी ऐसे आदमी को मान्यता, श्रेय, कीमत देती जाए जो सिर्फ हमेशा अपने को सही मानता हो। क्या मतलब है इसका? मतलब सर, आराम से, आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर? मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। आइए आप ये म्यूजिक सुनिए और हवा खाइए। सर क्या हुआ, कहाँ खो गए? अरे अरे यार, अरे मैं सोच रहा था कि वो हर बार मुझसे ही क्यों नाचता है, हमेशा मुझे ही गलत सिद्ध क्यों करता है। सर
मैं कुछ कहूं? बात यह है ना सर कि पूरी दुनिया से एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। दुनिया के हजारों मोर्चे हैं, करोड़ों लड़ने वाले हैं, मगर दो देशों की लड़ाई में पूरे देश आपस में नहीं लड़ते। सिपाही से सिपाही लड़ता है। लड़ने के मामले में सिपाही देश का प्रतिनिधि होता है, तो उनसे जिससे उसकी अक्सर मुलाकात होती होगी उसने दुनिया का प्रतिनिधि मान लिया होगा। और उनमें भी सबसे ज्यादा मुलाकात मुझसे होती है, तो उसके लिए दुनिया का प्रतिनिधि मैं हुआ। ये अच्छा है, मतलब कि मुझे गलत बताता है तो दुनिया गलत होती है। मुझे गाली देता है तो दुनिया को गाली लगती है। मुझे दबा देने से उसे दुनिया को दबा देने का सुख मिलता है। कमाल है यार। आओ यार बैठो, अभी कॉफी आ जाएगी अपनी। सारी दुनिया की तरफ से इस मोर्चे पर मैं खड़ा हूं और पिट रहा हूं। और पता है, मुझसे नफरत करता है मगर मुझे ढूंढता है, कुछ दिन ना मिलूं तो परेशान हो जाता है। वाह 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 सर, ये तो जिससे नफरत है उससे मिलने की इतनी ललक प्रेम संबंध में भी नहीं होती है। रख दो भाई। थैंक यू। तुम यहां बैठे हो और मैं तुम्हें कहां का ढूंढ रहा था। बहुत भ्रष्टाचार फैला है। हाँ, बहुत भ्रष्टाचार फैला है। लोग हल्ला ज्यादा मचाते हैं, इतना भी भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ तो सब सियार है। एक ने कहा भ्रष्टाचार तो सब कोरस में गाने लगे भ्रष्टाचार। हाँ यार, मुझे भी लगता है कि लोग भ्रष्टाचार का हल्ला बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। मगर बिना कारण लोग हल्ला नहीं मचाएंगे जी। होगा तभी तो लोग हल्ला करते हैं, लोग पागल थोड़ी है यार। ये सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट तो हैं। सरकारी कर्मचारी को क्यों दोष देते हो? उनको तो हम तुम ही भ्रष्ट करते हैं। हाँ, जनता घूस देती है तो वो लेते हैं, मगर जनता क्या जबरदस्ती उनके गले में नोट ठोसती है? वो भ्रष्ट ना हो तो जनता क्यों दे? लो, तुम्हारे अमेरिका ने फिर से बम बरसाना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत बुरा किया, बहुत ही बुरा। ये तो मतलब कि इससे तो शांति की आशा फिर नष्ट हो गई। शांति? What do you mean by शांति? ये शब्द ही झूठा है। यहां पर सब साले शांति की बात करते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। कह दिया, बुरा किया। क्या बुरा किया? हाँ? उत्तर से दक्षिण में फौज आती है, चीनी हथियार आते हैं। अरे उनके ठिकानों पर बम बरसाए बिना कैसे काम चलिएगा? हाँ? इस दृष्टि से तो नागरिक क्षेत्र पर बम बरसाना बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? नागरिक क्षेत्रों पर बम बरसाना ठीक है, ये कहते शर्म आनी चाहिए तुमको। हाँ, मतलब नागरिक क्षेत्र पर अलबत्ता बम नहीं गिराना चाहिए। कहीं भी क्यों गिराना चाहिए ये बताओ? अमेरिका को क्या हक है इधर आने का? ये उसके राज्य का हिस्सा नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, एशिया में अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मगर बहुत से बेवकूफ इस नारे को बिना समझे लगाते हैं, भूल जाते हैं कि यहां पर चीन बैठा है तो सबको निकल जाएगा।
और भाई यहां कैसे? मैंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया था। फिर? नहीं मिली। आजकल पक्षपात बहुत चलता है। ठीक कहते हैं, ऊपर के लोग अपनों को ही अच्छी जगह फिट करते हैं। और योग्य आदमियों की अवहेलना होती है और नालायक ऊंचे पदों पर बिठाए जाते हैं। अभी तो सब जगह का स्तर इतना गिर रहा है। अरे भाई, स्तर तो कुछ रहा ही नहीं। हाँ, पता नहीं आखिर ऐसे ये सब कब तक अंधेर चलता रहेगा। मैं भी यही सोचता रहता हूं कि आखिर ऐसे कब तक। अरे कोई फायदा नहीं, जब तक वो बेल आइकन नहीं दबाते। अब ये ठीक कह रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा प्लीज। बेल आइकन से भी क्या होगा, जब तक वो लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते कोई फायदा नहीं है। समझे? जे, जे, जे।